हमारे YouTube चैनल My CG Exam में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सेल, कोशिका। मैं साइंस में आज सेल टॉपिक लेने वाला हूँ, जो कि PSC, व्यापम और रेलवे एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से आधुनिक वर्गीकरण के जनक कौन है? Who is a father of modern taxonomy? So, options आपके सामने हैं। उसका सही आंसर है, आधुनिक वर्गीकरण के जनक कैरोलस लीनियस है। इनको आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सबसे पहले कोशिका शब्द का प्रयोग किया था? कोशिका मतलब सेल, सेल वर्ड का सबसे पहले प्रयोग इनमें से किसने किया था? तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से जीव विज्ञान के जनक कौन है? इनमें से जीव विज्ञान बायोलॉजी के फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? सो इसका आंसर है अरस्तु को अपन बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। अरस्तु को ही हम जंतु विज्ञान के जनक भी कहते हैं, ठीक है? अरस्तु को ही फादर ऑफ बायोलॉजी और अरस्तु को ही फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। उनको जंतु विज्ञान के जनक और जीव विज्ञान के जनक। जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी और जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजी, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन मतलब कोशिका के सिद्धांत को किसने दिया था? तो इसका भी ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही आंसर है स्वान एम स्लाइडन, दोनों ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। श्वान एवं स्लाइडन, इन दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण का आधारभूत इकाई क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी। वर्गीकरण का फंडामेंटल यूनिट क्या है? तो ऑप्शन आपके सामने है, वंश और जाति, या दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है? सो वर्गीकरण का आधारभूत इकाई जाति है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे लंबी कोशिका है? इनमें सबसे चार ऑप्शन है, इनमें सबसे लंबी कोशिका आपको बताना है कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो चलिए आंसर देखते हैं। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है, याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र जो है वो सबसे लंबी कोशिका है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सबसे बड़ी कोशिका कौन है? आपके पास जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में से आपको देख के बताना है कि सबसे बड़ी, इससे पहले हमने जो किया था वो सबसे लंबी थी, इसका आकार में ये बड़ा होगा। तो इसका सही आंसर है शुतुरमुर्ग के अंडे। जी हाँ, शुतुरमुर्ग के अंडे सबसे बड़ी कोशिका होता है, आकार में इसका आकार बहुत बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? तो सबसे छोटी कोशिका, इनका आकार सबसे छोटा होता है, इसका आंसर है जीवाणु माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। ऑप्शन में आपके ऐसे भी इतना ही हो सकता है, माइक्रोप्लाज्म बस ऑप्शन में हो सकता है, या तो माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा ये पूरा हो सकता है। तो इसको याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी कोशिका कौन है। तो ऑप्शन में आपके इतना ही हो सकता है माइक्रोप्लाज्म, इतना ही ऑप्शन में हो सकता है। अगर पूरा ऑप्शन दे तो सही है, अगर आंसर लिखा हो माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा तो उसको वो सही है। अगर लेकिन इतना बड़ा ना लिख के वो शॉर्ट में भी लिख सकता है माइक्रोप्लाज्म, ठीक है? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसमें केंद्रक पाया जाता है? ये कौन से सेल का, सेल में केंद्रक पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक या दोनों में? तो केंद्रक यूकैरियोटिक में पाया जाता है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल डेवलप्ड सेल होता है, ठीक है? प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है? ठीक। कोशिका भित्ति पाया जाता है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति का मतलब सेल वॉल, इनमें से कौन से सेल में सेल वॉल पाया जाता है? पादप कोशिका में,
जंतु कोशिका में, मतलब ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है ना, पादप मतलब प्लांट सेल, जंतु कोशिका एनिमल सेल, किसमें सेल वॉल पाया जाता है, कोशिका भित्ति। तो इसका सही आंसर है पादप, पादप कोशिका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लवक प्लास्टिड पाया जाता है, ये लवक है ना, लवक मतलब प्लास्टिड, प्लास्टिड पाया जाता है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, दोनों में। तो लवक पाया जाता है पादप कोशिका में। प्लास्टिड तीन तरह के होते हैं, एक अपन बोलते हैं हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। तीन तरह के प्लास्टिड प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता, प्लांट में पाया जाता है, लवक है। ठीक है, ये तीन तरह के होते हैं, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। वर्णी लवक की वजह से ही फ्रूट्स में कलरफुल होते हैं, जैसे टमाटर लाल कलर का होता है, ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, ये वर्णी लवक की वजह से है। और हरित लवक की वजह से प्लांट ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है ना, ये हरित लवक का मतलब क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक का मतलब है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट ठीक है में ही हरित क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, अगर ठीक है, थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक करिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।